नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा SSC का टेस्ट है वो है SKSSC न्यू 01 AIKN। और हर रोज़ की तरह इस टेस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। जिस भी स्टूडेंट ने टेस्ट को अटैम्प्ट नहीं किया है वो पहले टेस्ट को अटैम्प्ट करेगा और बाद में डिस्कशन देखेगा, ठीक है जी। तो टेस्ट को डिस्कशन ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एरर वाला है। द यू एस ओस्टेंसिबल रीजन फॉर इट्स एग्जिट फ्रॉम UNHRC इज लाइकली टू मीट विद इनक्रेडुलिटी। यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है ओस्टेंसिबल, ओस्टेंसिबल का मतलब होता है कोई चीज़ सच्ची दिखाई देना लेकिन एक्चुअल में वो सच्ची ना होना, ठीक है ना जी। मतलब हम लोग एक सुपरफिशियल वर्ड यूज करते हैं, मतलब कहते हैं ना ये तो दिखने दिखने में अच्छी है, मतलब एक्चुअल में अच्छी नहीं है, वो होती है ओस्टेंसिबल चीज़। तो US का ओस्टेंसिबल रीजन फॉर इट्स एग्जिट, किसने एग्जिट कर लिया है इस कमेटी को, इज लाइकली टू मीट विद इनक्रेडुलिटी। इनक्रेडुलिटी हमारा बना है इनक्रेडुलस से। इनक्रेडुलस मतलब जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता। तो इनक्रेडुलिटी का मतलब होता है जब किसी चीज़ पे विश्वास ना किया जा सके, जो चीज़ बनती है जब विश्वासपन खो जाता है तो वो हमारी होती है इनक्रेडुलिटी, ठीक है जी। लेकिन इस सेंटेंस में एरर फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता था क्योंकि यहाँ पर हमारा एरर है टू मीट की जगह आएगा टू बी मेट। क्यों आएगा हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। हम लोग यूज करते हैं लाइकली टू। लाइकली टू का मतलब ये चीज़ होने ही वाली है या इसका रिजल्ट मिलने ही वाला है, ठीक है जी। जैसे मैं कहता हूँ आई एम लाइकली टू ईट इट, ठीक है ना जी। मैं इसको खाने ही वाला हूँ लेकिन मैं अगर इट को सब्जेक्ट बनाता हूँ तो मैं क्या लिखूँगा, इट इज लाइकली टू बी ईटन। कहने का मतलब है वो जो चीज़ है वो हुई होने वाली है, ठीक है ना जी। तो जो ये हमारी रीजन है या ये US का, वो लाइकली टू बी मेट, वो मिलने ही वाला है, ना कि वो खुद मिल रहा है। अगर मीट हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया तो सब्जेक्ट किसको बना दिया हम लोगों ने, इस रीजन को, जो कि सब्जेक्ट नहीं बन सकता। हमें इसको क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसका पैसिव बनाना पड़ेगा जी। क्या बनाना पड़ेगा, पैसिव, क्योंकि पैसिव में हमारी जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है ना। है तो इसके अंदर रीजन हमारा सब्जेक्ट ही, लेकिन इस टू मीट का पैसिव हमारा क्या बनता है, टू प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इज लाइकली टू बी मेट विद इनक्रेडिबिलिटी, कि वो मिलने ही वाला है या उसको इनक्रेडिबिलिटी प्राप्त होने वाली है जी, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे ये सब्जेक्ट की तरह एक्ट नहीं करेगा, एज एन ऑब्जेक्ट एक्ट करेगा। थोड़ा सा मुश्किल एरर था लेकिन हम लोगों ने कर लिया। तो थर्ड पार्ट में एरर है, नेक्स्ट देखते हैं। इसराइल कमिटमेंट टू ह्यूमन राइट्स हैज़ बीन ब्रॉट इनटू क्वेश्चन रिपीटेडली ऑन अकाउंट इट्स एक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पैलेस्टाइन। ये कह रहा है इसराइल की जो कमिटमेंट थी ह्यूमन राइट्स के, वो ब्रॉट इनटू क्वेश्चन, मतलब वो क्वेश्चन, उसके ऊपर क्वेश्चन उठे हैं रिपीटेडली, मतलब बार बार उठे हैं, ऑन अकाउंट इट्स एक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पैलेस्टाइन। देखो एक कंसेप्ट सीखते हैं यहाँ से। अब ऑन अकाउंट यूज हुआ है, इट्स एक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पैलेस्टाइन के अंदर कोई वर्ब आई क्या, कोई वर्ब नहीं आई। कोई वर्ब नहीं आई तो हम लोग सब्जेक्ट भी नहीं बता सकते किसी को। तो कहने का मतलब है हमें यहाँ पे कंजंक्शन नहीं चाहिए। हमारा होता क्या है कंजंक्शन का फंडा, कि कंजंक्शन के बाद आपका सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आ भी सकता है, लेकिन जो प्रीपोजिशनल हमारे कनेक्टर होते हैं, जिस भी कनेक्टर के पीछे प्रीपोजिशन आती है, जैसे इन स्पाइट ऑफ, बिकॉज ऑफ, उनके बाद आपको नाउन या प्रोनाउन मिलेगा जी। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का कोई चांस नहीं है वहाँ पे। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि इट्स एक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पैलेस्टाइन से पहले मुझे यहाँ पे प्रीपोजिशन चाहिए। और हमारा फ्रेज भी होता है ऑन अकाउंट ऑफ, क्या होता है जरा बोलना एक बार, ऑन अकाउंट ऑफ, जिसका मतलब होता है बिकॉज ऑफ। तो यही बात होगी ना हमारी। तो हमें यहाँ पे प्रीपोजिशनल कनेक्टर चाहिए क्योंकि इसके बाद कोई वर्ब नहीं आई है, तो यहाँ पे यूज होगा ऑन अकाउंट ऑफ, बिकॉज ऑफ इट्स एक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पैलेस्टाइन, कि जो इसने एक्शन लिए थे पैलेस्टाइन के रिस्पेक्ट में वो शायद अच्छे नहीं थे, इसलिए इसके ऊपर क्वेश्चन उठे हुए हैं, ठीक है जी। तो थर्ड पार्ट में एरर है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं फिलर वाला पार्ट।
irony is that its demise may have been hastened by Dash claim of the United States of America. Irony is dead का मतलब होता है कि जब ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर हम लोगों ने जो चीज़ किया है वही हम लोग पहचान ना पाए कि यार पता नहीं कैसे हो गया, तो उसका मतलब क्या है, irony is dead. ठीक है जी. अब its demise, demise का मतलब भी होता है death. जो उसकी death हुई है irony की, irony हम लोग जनरली action के लिए यूज करते हैं जी, जो हम लोगों ने action लिया है. ठीक है. इट्स डेथ मे हैव बीन हेसन. हेसन का मतलब होता है कि ये चीज़ शायद इसके द्वारा की गई थी. हेसन का मतलब ऐसे तो जल्दी जल्दबाजी में करना. तो जो डिमाइज हुई है, डेथ हुई है, शायद इसके द्वारा हुई है, बाय द डैश क्लेम ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. जो क्लेम किए थे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने, दैट यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल सपोजली द एपेक्स इंस्टीट्यूशन डेडिकेटेड टू द सिक्योरिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स. देखो इसके अंदर थोड़ा सा फ्रीजेस का गेम है, मतलब थोड़ा सा कम्प्लेक्स कर दिया सेंटेंस को. अब जो ये दो कॉमाज के अंदर हमारी इन्फॉर्मेशन है ना, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है. आप इसको नेगलेक्ट कर सकते हो, बाद में करेंगे इसका मीनिंग भी, लेकिन एक बार नेगलेक्ट करते हैं. अब दैट हमारा कंजंक्शन है, द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल इज प्रिजुडाइज्ड अगेंस्ट इज़राइल. प्रिजुडाइज्ड अगेंस्ट इज़राइल का मतलब है कि वो इज़राइल के अगेंस्ट है. ठीक है ना. क्योंकि क्यों अगेंस्ट है, शायद जो इसकी डिमाइज हुई है या जो एक्शन लिए गए हैं वो अच्छे एक्शन नहीं लिए गए हैं जी. और वो एक्शन जो इसकी डिमाइज हुई है वो किससे हुई है, डैश क्लेम से हुई है. क्लेम हमारा नाउन है और नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए एडजेक्टिव जी. अब देखते हैं हम लोग हमारे ऑप्शन को, रफ क्लेम, सीरियस क्लेम, फॉल्स और पेटुलेंट. जो पेटुलेंट नहीं होता एक्चुअली, ये हमारा था पेटुलेंट. क्या होता है जी, बोलना एक बार, पेचुलेंट. तो देखते हैं, एक जो हमारा सेकंड सीरियस क्लेम है तो डेथ नहीं होती. सीरियस हमारा यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड है, क्योंकि क्लेम के साथ जुड़ता जब सीरियस वर्ड तो मतलब अच्छा क्लेम है, बिल्कुल करेक्ट क्लेम है. अगर करेक्ट क्लेम होता तो डिमाइज नहीं होती उस चीज़ की. तो ये हमारा आंसर नहीं होगा. रफ क्लेम का मतलब होता है, जैसे हम लोग रफ एस्टिमेट लगाते हैं, रफ हम लोग यूज करते हैं एस्टिमेट के लिए, रफ हम लोग यूज करते हैं रफ गाइड के लिए. गाइड मतलब कहते हैं यार यहीं पे होगा, आसपास ही होगा. ठीक है ना. रफ क्लेम के लिए भी यूज करते हैं. इसका मतलब होगा कि नोट डिटेल्ड. क्या मतलब होगा इसका, नोट डिटेल मतलब उसके बारे में बताया ही नहीं गया और क्लेम कर दिया. ठीक है ना. कई बार होता है क्या है कि हम लोग सोचते हैं कि सामने वाला ये करने वाला है, लेकिन उससे हटके कुछ और करता है, तो वो क्या होगा, रफ एक्शन कहलाएगा, रफ क्लेम कहलाएगा वो. देखते हैं हमारा ये मीनिंग यूज होता है नहीं होता है. फॉल्स, फॉल्स क्लेम का तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, फॉल्स मतलब बिल्कुल करेक्ट नहीं है वो. ठीक है ना जी. तो यहाँ पे थोड़ा फॉल्स एक डायरेक्ट आंसर दे रहा है. फॉल्स क्लेम के लिए हम लोग डेथ यूज नहीं करेंगे. ठीक है ना जी. तो फॉल्स क्लेम यूज नहीं होगा. थोड़ा सा कंटेक्स्ट से रिलेवेंट नहीं है ये. ठीक है जी. और जो पेटुलेंट वर्ड है, इसका मतलब हमारा पेटुलेंट क्लेम के लिए जब यूज होता है ये हमारा, तो इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को कंप्लेन करना. कहते ना यार ये नहीं करूंगा मैं, ये तो तुम लोग हमेशा करते रहते हो. तो रूडली वे में, कैसे वे में, रूडली वे में कंप्लेन करना. तो शायद ये जो हेसन या जल्दबाजी की गई थी, इसने या तो रफ क्लेम से या पेचुलेंट क्लेम से. रफ क्लेम का मतलब होता है, मैंने बोला नोट डिटेल्ड, कि उसने डिटेल नहीं दी. या पेचुलेंट का मतलब है कि जो उसने कंप्लेन की है वो बार बार जोर डाल रहा था. तो थोड़ा सा सीरियस है और हमारा आंसर बनेगा यहाँ पे फोर, क्योंकि जो क्लेम है वो हेसन कर रही है किसको, इस डिमाइज को, कि इसकी जो मतलब इसकी डेथ होने वाली है, मतलब उसके पास पहुँचने वाली है ये, तो वो हेसन की गई पेचुलेंट क्लेम से. मतलब कंप्लेन पे कंप्लेन बार बार हो रही थी कि यार मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, कि आप लोग ये मुझे नहीं दे रहे हो. तो बार बार किसी चीज़ को करना, इरिटेशन जब हो जाती है तब भी हम लोग इस सेंस में यूज कर लेते हैं. इरिटेबल इसका एग्जैक्ट सिनोनिम है. तो बिल्कुल सेंस यहाँ पे वही है कि जो क्लेम किए जा रहे थे वो इरिटेबल हो चुके थे और इससे क्या होगी, इसी एक्शंस की डेथ हो गई. मतलब एक्शन अच्छे नहीं लिए गए जी. ठीक है नहीं. तो थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था, लेकिन फोर्थ इसका राइट आंसर रहेगा. थोड़ा आपको ऑप्शंस एलिमिनेशन भी आना चाहिए. फोर्थ देखते हैं, डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हैज अलेज्ड दिस बायस.
एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं चीज़ों को, हैज एलेज्ड, एलेज का मतलब होता है किसी भी कुछ भी कहना कि सामने वाले ने गलत किया है, मतलब सामने वाले को आरोप लगाना कहने का मतलब है, ठीक है ना जी। तो डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने आरोप लगाए हैं कि दिस बायस, जो बायस वर्ड है इसका मतलब होता है प्रेफरेंस। प्रेफरेंस मतलब हम लोग किस चीज़ की तरफ इंक्लाइनेशन हमारा है, हमारा जो जनरली यूज करते हैं पॉलिटिकल बायस यूज करते हैं जी। पॉलिटिकल बायस का मतलब है कि लोग अपने, जैसे भाई भतीजावाद होता है ना, तो वो इस सेंस में होगा पॉलिटिकल बायस। तो दिस बायस डैश एट द हार्ट ऑफ UNHRC's फ्रीक्वेंट कंडेमशन ऑफ दैट कंट्री। अब देखो ये वाला जो हमारे ऑप्शन है लेज, लाइड, लाइज और ले, इसके अंदर आप लोगों को डिफरेंस समझना चाहिए। हमारे तीन वर्ब होती हैं, एक तो होती है लाई, दूसरी भी हमारी लाई और तीसरी होती ले, ठीक है जी। ये फर्स्ट वाला होता है लाई, झूठ बोलना, लाई लाइड लाइट, ठीक है जी। सेकंड है लाई का एक तो मतलब होता है लेटना और एक मतलब होता है किसी चीज़ से मिल, किसी चीज़ में होना कहने का मतलब, कहना कहते हैं ना इट लाइज इन दिस, कि ये चीज़ इसमें है। हम लोग कहते हैं कि यार ये वाला क्वेश्चन तो उसके अंदर लाई करेगा, तो वो लाई यही वाला लाई होता है जी, ठीक है ना। और वही वाला लाई इसके अंदर यूज हुआ कि जो ये बायस हमारा ये उस NRC के फ्रीक्वेंट कंडेमशन के अंदर लाई करेगा जी, ठीक है जी। और ये ले होता है लेटाना, न्योछावर करना, अंडे सेना, ठीक है ना जी। तो इसकी इसकी जो सेकंड फॉर्म है लाई की, ले और लेन, लेकिन ले लेड और लेट, ठीक है जी। तो थोड़ा बहुत आपको दोहरा सकते हो इस चीज़ को या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यहाँ पे हमारा जो बायस है वो इसके हार्ट में लाई कर रहा है, और लाई कर रहा है मतलब हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है, तो लाइज करेगा जी, लाइड नहीं करेगा, लाइज करेगा। तो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट चाहिए कि जो बायस है किसके अंदर लाई करेगा, वो एट द हार्ट ऑफ यूनिवर्सी फ्रीक्वेंट कंडेमशन के अंदर, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब थोड़ा सा आपको एक सेंस लेनी पड़ेगी कि यहाँ पे वो चीज़ किसके अंदर लाई कर रही है, किस चीज़ के अंदर मतलब वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है जी। ले का तो मतलब वही होगा हमारा सेकंड फॉर्म, या न्योछावर करने वाला, ये हमारा आंसर नहीं बनेगा। लेज वही फर्स्ट फॉर्म प्लस SES, न्योछावर करने वाला नहीं। लाइड नहीं जी, कोई ऑप्शन नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, वकैब वाला पार्ट आ गया हमारा। फर्स्ट है हमें सिमिलर मीनिंग बताना है स्कैम्पर, जो वर्ड हमारा स्कैम्पर होता है उसका मतलब होता है जी, पता है ना आप लोगों को स्कैम्पर का मतलब, स्कैम्पर का मतलब होता है जी स्करी। सुना आप लोगों ने वर्ड स्करी, स्करी बिल्कुल होता है हमारा स्कटल, स्कटल तो सुना होगा आप लोगों ने, स्कटल भी नहीं सुना, स्कटल हमारा होता है जी डार्ट, डार्ट तो पक्का सुना होगा, और डार्ट हमारा होता है जी डैश। और इन सब का मतलब होता है रन विद लिटिल स्टेप्स, मतलब बहुत छोटे छोटे कदमों से तेज भागना, जैसे छोटा बच्चा होता है ना कि यार भागो भागो, वो छोटे छोटे कदमों से बिल्कुल तेज भाग रहा है, तो वो क्या कर रहा है, स्करी कर रहा है, स्कैम्पर कर रहा है, स्कटल डार्ट और डैश कर रहा है वो, बिल्कुल एग्जैक्ट सिनोनिम है ये, ठीक है जी। हमें इसका सिनोनिम बताना है। फर्स्ट वाला वर्ड है स्ट्रोल, स्ट्रोल का मतलब बिल्कुल होता है टहलने के टाइप में, कहते ना बिल्कुल आराम से यार पार्क में टहल रहे हैं, वी आर स्ट्रोलिंग अराउंड, ठीक है ना जी। तो स्ट्रोल आराम से हो गया, स्कैम्पर तेजी से है, नहीं होगा। लैग, लैग के साथ जनरली हम लोग बिहाइंड यूज करते हैं जी, लैग बिहाइंड, लैग बिहाइंड का मतलब होता है पीछे रह जाना, जैसे हम लोग रेस लगा रहे हैं तो सोनू पीछे रह गया, तो क्या कर गया, सोनू लैग बिहाइंड कर रहा है जी, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है, फास्ट भागना उसको। स्कूट, जो वर्ड हमारा स्कूट, इसका मतलब होता है गो या लीव क्विकली, बिल्कुल जल्दी किसी स्थान से निकलना या किसी स्थान के लिए निकलना, वो हमारा होता है स्कूट, तो शायद ही हमारा आंसर बन सके। प्लोड, प्लोड तो हमारा होता है, आप लोग जानते हो प्लोड होता है, जैसे जैसे कोई मोटा आदमी है, ठीक है, मोटा आदमी जब चलता है तो कितनी आराम से चलता है, कि ये पैर उसने रखा, उसके बाद ये पैर रखा, तो जो वो चाल होती है, जो वॉकिंग होती है, वो हमारी प्लोड वॉकिंग होती है जी, ठीक है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, आंसर क्या है जी, स्कूट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, जो हमारा कैविट, कैविट का मतलब होता है हमारी यर्न, जानते हो ना यर्न को, तो यर्न हमारा होता है जी क्रेव, क्या होता है जी, कविट हमारी होती यर्न, और यर्न हमारा होता है क्रेव, और क्रेव हमारा होता है जी हैंकर, और सभी का मतलब होता है एक स्ट्रोंग डिजायर होना किसी चीज की हमारे पास होने की, कहते ना कि ये मेरे पास हो, तो वो क्या होती है हमारी यर्न होती है, अर्न करने की डिजायर, ठीक है जी।
तो देखते हैं इसका, हमें सिनोनिम तो कर ही लिया, क्या है सिनोनिम इसका? फर्स्ट इज द राइट आंसर. सेकेंड है लोथ. लोथ हमारा होता है किसी से जब हेट करते हैं, ठीक है ना, हेट करना किसी से होता है लोथ. स्पर्न, जो हमारा वर्ड है स्पर्न, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को रिफ्यूज कर देना एक्सेप्ट करने से. कहते हैं सामने वाला कहता है कि यार मैं तुम्हें पार्टी पर इनवाइट कर रहा हूँ तो चलोगे क्या, तो मैंने कह दिया बिल्कुल नहीं मैं नहीं चल रहा, तो मैंने क्या कर दिया उस चीज़ को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर दिया थी. टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट समथिंग, क्या लिखा मैंने, टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट समथिंग, ठीक है जी. तो ये भी हमारा आंसर नहीं है. डिटेस्ट और लो दोनों एग्जैक्ट सिनोनिम है, इसका मतलब भी हेट करना होता है जी. तो फर्स्ट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट देखते हैं, हमें अपोजिट मीनिंग बताना है वर्ड का. वर्ड हमारा है प्लम्प. जो हमारा वर्ड प्लम्प है इसका मतलब थोड़ा बहुत मैं आपसे रिलेट करता हूँ. जो प्लम्प लोग होते हैं ना वो जंप नहीं कर सकते जी. समझे कुछ मीनिंग? नहीं समझे तो आप समझ जाओगे. प्लम्प जो लोग हमारे होते हैं वो स्टाउट होते हैं जी. और जो वर्ड स्टाउट है वो एग्जैक्ट सिनोनिम होता है जी कॉर्पुलेंट का. अब तो समझ गए ना, कॉर्पुलेंट क्या होता है, एक फैटी आदमी, ठीक है ना जी, क्या मतलब फैट बहुत ज़्यादा हो. तो प्लम्प भी वही लोग होते हैं जो जंप नहीं कर सकते, मतलब बहुत भारी भरकम है, फैटी है जी. तो इसका हमें अपोजिट मीनिंग बताना है. फर्स्ट वाला स्टाउट सिनोनिम आंसर नहीं होगा. सेकेंड रोटंड. रोटंड बिल्कुल एग्जैक्ट सिनोनिम होता है जी स्टाउट का, कि रोट खा करके तोंद बाहर निकलाई इसकी, ठीक है ना जी. तो ये भी हमारा आंसर नहीं है. थर्ड स्किनी. स्किनी होता हमारा थिन. थिन मतलब पतला, शायद ही आंसर हमारा हो. रोली पोली का मतलब होता गोल मटोल, बिल्कुल मोटे से ये होता हमारा फैटी, फैटी बेबी को कहते हैं रोली पोली. तो ये भी हमारा आंसर नहीं है. थर्ड इज द राइट आंसर जी. ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं. एट्थ वर्ड है टसल. जो वर्ड हमारा टसल है ये यूज करते हैं हम लोग फाइट के लिए, ठीक है जी. तो इसका हम लोग देखते हैं सिनोनिम्स या एंटोनिम्स जो हमें बताना है. फर्स्ट वाला वर्ड फ्रेकाज. जो वर्ड फ्रेकाज है वो इसका एग्जैक्ट सिनोनिम है जी. फ्रेकाज, टसल या मैली. जो वर्ड मैली है ये हम लोग कहते हैं ना छोटे, जब छोटे बच्चों के अंदर लड़ाई चलती है कि ये मैली है ये मैली है, तो वो छोटी जो लवली फाइट होती है उसको हम लोग मैली कहते हैं जी, मतलब शॉर्ट एंड एक्साइटिंग फाइट, ठीक है जी. स्कफल भी एग्जैक्ट सिनोनिम होता है टसल का. स्कफल और टसल दोनों एक मतलब सेम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, टसल स्कफल, तो दोनों का मतलब फाइट करना. तो ये तो हमारे आंसर नहीं हो सकते. फोर्थ ट्रूस. ट्रूस हमारा होता है एक एग्रीमेंट जी. एक तो लड़ाई कर रहे हैं और एक एग्रीमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट सिनोनिम है. और एग्रीमेंट कब करते हैं, जब हमारा वॉर चला होता है और उसको रोकने के लिए जो एग्रीमेंट किया जाता है उसको कहते हैं ट्रूस, ठीक है जी. तो फोर्थ हमारा राइट आंसर रहेगा. नेक्स्ट देखते हैं, हमारा है इडियम्स हमें बताना है. कट कॉर्नर्स. जो कट कॉर्नर्स यूज होता है ना, मान लो ये मेरे पास चादर है, अब किसी टाइम मेरे को इस चादर की जरूरत पड़ गई कि मेरे को फाड़ना पड़ गया, तो मैंने कट कर ली कॉर्नर को इसको, मतलब काम चला रहा हूँ मैं चीज़ों से, ठीक है ना, लेकिन मेरा काम फिर भी नहीं चल रहा. तो कट कॉर्नर का मतलब वही होता है कि जब हम लोग चीज़ों को बैडली वे से करते हैं मनी बचाने के लिए, ठीक है जी. तो कट कॉर्नर्स का मतलब गुजारा करना, लेकिन गुजारा फिर भी एक्चुअल में ना होना, वो होता कट कॉर्नर्स. तो थर्ड इज द राइट आंसर. ऑप्शंस को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है इसके, क्योंकि एक एग्जैक्ट मीनिंग ही होता है इसका. टेंथ देखते हैं, फार क्राई फ्रॉम. फार क्राई फ्रॉम हमारा एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है वेरी डिफरेंट फ्रॉम समथिंग. क्या होता है जरा बोलना एक बार, वेरी डिफरेंट फ्रॉम समथिंग, ठीक है. तो थर्ड इसका राइट आंसर है. इसके इस जैसा एक और इडियम हमारा होता है, जैसे कहते हैं ना अनदर कैटल ऑफ फिश, अनदर कैटल ऑफ फिश, इसका मतलब ही है कि कोई चीज़ बिल्कुल डिफरेंट होना किसी चीज़ से. एक थोड़ा सा रिलेट करने वाला और ईडियम है, हम लोग कहते हैं ए फिश आउट ऑफ वाटर. इसका मतलब एक मीनिंग तो होता है कि ऑकवर्ड सिचुएशन होना, लेकिन थोड़ा डिफरेंट से है कि वो ऑकवर्ड सिचुएशन क्यों है, क्योंकि जो सामने वाले लोग हैं जहाँ पे मैं आया हूँ वहाँ के लोग मेरे लिए डिफरेंट हैं, मैं उनको नहीं जानता, तो जो सिचुएशन बनेगी वो होगी ए फिश आउट ऑफ वाटर, मतलब फिश वाटर से बाहर आ गई, अपनी दुनिया से बाहर आ गई, अभी ये बाहर के लोगों को नहीं जानती क्योंकि वो डिफरेंट हैं, ठीक है ना जी. तो थोड़ा सा रिलेट कर रहा है इससे. तो इसका आंसर रहेगा थर्ड राइट आंसर रहेगा. नेक्स्ट देखते हैं, इम्प्रूव करना ब्रैकेटेड पार्ट को. द यूएस डिसीजन इज सीमिंगली कंसिस्टेंट टू मिस्टर ट्रंप मंत्रा ऑफ आइसोलेशनिज्म.
यहाँ पे जो सीमिंगली वर्ड है इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ फैक्ट्स के अकॉर्डिंग होना, कि वो चीज़ ऐसे ही है भाई, अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स, ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स। तो जो डिसीजन है इज सीमिंगली कंसिस्टेंट टू फॉर विद इन विद। अब कहने का मतलब यही है कि फिक्स प्रीपोजिशन वाला ये हमारा क्या है, इंप्रूवमेंट है, तो एक फिक्स प्रीपोजिशन ही आएगी इसके साथ, और वो फिक्स प्रीपोजिशन हमारी है कंसिस्टेंट विद। इसका मतलब होता है कि उस चीज़ से एग्री करना, ठीक है ना जी। तो फॉर यूज नहीं होता, टू यूज नहीं होता, और विद इन यूज नहीं होता जी, ठीक है ना। कंसिस्टेंट के जब जब विद यूज होता, जब एग्री की सेंस हम देते हैं, और एग्री की सेंस के लिए विद ही एक पार्टिकुलर प्रिपोजिशन होती है इसके साथ। तो सीमिंगली कंसिस्टेंट विद मिस्टर ट्रम्प्स ऑफ आइसोलेशनिज्म, जो मतलब अलग होने का जो इसने मंत्र बनाया है कि मैं अलग काम करूंगा, मेरे मतलब यूएसए के अंदर ही चीज़ों को बनाऊंगा, तो जो डिसीजन है इसके साथ एग्री कर रहा है, ठीक है ना जी, क्योंकि यूएस ने भी वही डिसीजन लिया और ट्रंप भी वही चाहता है, ठीक है जी। तो थर्ड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, द यूएस हैज़ डिसाइडेड टू लीव UNHRC इन ए पैट ऑन दिस रिमार्केबली फ्लिमसी ग्राउंड। फ्लिमसी मतलब बिल्कुल बकवास, ठीक है जी, और रिमार्केबली मतलब जिनको हम रिमार्क कर सकते हैं, जिनको हम याद रख सकते हैं, ठीक है ना, जिसने छाप छोड़ी है, ठीक है। तो देखते हैं हमारा वर्ड यूज हुआ यहाँ पे इन ए पैट, कहने का मतलब कुछ ना कुछ फ्रेज मिलेगा, इन ए टेम्पर, इन ए फ्यूरियल, इन ए हफ। देखते हैं, यूएस हैज डिसाइडेड, यूएस ने डिसाइड किया है टू लीव इस UNHRC को लीव करने का, इसको एग्जिट करने का, इन ए डैश ऑन दिस रिमार्केबली फ्लिमसी ग्राउंड। फ्लिमसी ग्राउंड का मतलब इसके पास जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी बेसिस है, वो बिल्कुल घटिया बेसिस हैं, और उनके उनके बेसिस पर इसने डिसाइड किया है, ठीक है ना। और वो कैसा डिसाइड किया है, इन ए पैट। इन ए पैट हमारा कोई फ्रेज नहीं होता है, हमारा फ्रेज होता है इन ए हफ। इन ए हफ का मतलब होता है कि एंग्री मतलब गुस्सा होने पर, या ओफेंडेड होने पर, ओफेंडेड का मतलब गुस्साया हुआ है, ठीक है, चीज़ें से पसंद नहीं आई, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही है कि चीज़ें इसे पसंद नहीं आई, शायद कुछ ना कुछ इस कमेटी के अंदर गलत चल रहा था, और उसके अकॉर्डिंग इसने डिसाइड कर लिया कि वो लीव करेगा, तो इन ए हफ यूज होगा। टेम्पर हमारा एक तो होता है जब हमारा गुस्सा होता है, लेकिन इन ए टेम्पर यूज नहीं होता जी, इन टेम्पर यूज कर लेते हैं हम लोग। फ्यूरियल, फ्यूरल हमारा होता है फ्यूरियस का सिनोनिम, फ्यूरियल हमारा अब यूज नहीं होता वर्ड, लेकिन फ्यूरियस का मतलब जो गुस्सा है हमारी यूज होती है। सारे वर्ड गुस्से वाले हैं, लेकिन हमारा जो एक्चुअल फ्रेज होता है वो होता है इन ए हफ। जो पेट वर्ड है, पेट एक तो हम लोग यूज करते हैं जब जैसे हमारे पालतू पशु होते हैं, और एक पेट होता है कि ये तो हमारा पेट है, जैसे मैं कहीं पे घूमने गया और सेल्फी लेना मेरा काम ही है, और सेल्फी लेना क्या बन गया मेरा, फिर पेट बन गया जी, ठीक है ना। जो पर्सनली इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो पेट कहलाती हैं जी। तो थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, हमें करना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन हु कट्स प्रीसियस स्टोन, प्रीसियस मतलब जो महंगे स्टोन होते हैं उनको, जो काटने वाला होता है उनको, जो त्रासने वाला होता है उसको क्या कहेंगे। कैनल, कैनल तो हमारा होता है जब हम जैसे डॉग्स के लिए यूज होता है, फॉर डॉग्स, जब उनको रखा जाता है कि वहीं पे खाना मिलेगा, वहीं पे रहना उसको, तो वो जो जगह होती है वो कैनल होती है जी। तो ये तो हमारा आंसर नहीं है। जो हमारा सेकेंड है मोग, मोग का मतलब होता है कि जहाँ पर डेड बॉडी को रखा जाता है। मोड हमारी, मोग हमारी बिल्डिंग हो सकती है, हमारा हॉस्पिटल हो सकता है, या कोई रूम हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि जहाँ पे डेड बॉडी को रखा जाता है दफनाने या जलाने से पहले, ठीक है जी। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। लैपिडिस्ट हमारा होता है जो प्रीसियस स्टोन को क्या करता है, कट करता है जी। तो थर्ड इसका राइट आंसर रहेगा। फोर्थ प्लेबिसाइट, प्लेबिसाइट हमारा होता है एक रेफरेंडम, क्या होता है जरा बोलना एक बार, रेफरेंडम। और रेफरेंडम हमारा होता है जब पीपल एक वोट करते हैं कि हमें ये चीज़ बदलाव चाहिए, इस चीज़ में हम चेंज चाहते हैं, तो वो रेफरेंडम कहलाता है जी। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है, थर्ड राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है, ए नंबर ऑफ पुलिसमैन कॉल्ड टू क्वेल ए राइट। क्वेल का मतलब उसको बिल्कुल मतलब ख़त्म करने की सेंस होती है। तो जब राइट हमारा फैले होते हैं, जब दंगे हो रहे होते हैं, तो जब ए नंबर ऑफ पुलिसमैन जो उनको बुलाया जाता है, तो उनको क्या कहते हैं, ठीक है जी, तो उनको क्या कहते हैं, सुवेनियर कहते हैं क्या। सुवेनियर हमारा वर्ड होता है, जैसे सुवेनियर ऑफ समथिंग यूज करते हैं हम लोग, किसी चीज़ की याद के लिए जो चीज़ मॉडल या कोई चीज़ ली जाती है वो सुवेनियर कहलाती है जी, ठीक है ना। मान लो अब मेरा मेरा और मेरे दोस्त ने, हम लोगों ने एक एक, एक दूसरे को गिफ्ट किया, उसने मेरे को कुछ गिफ्ट किया, मैंने उसको कुछ गिफ्ट किया, तो वो उसके लिए सुवेनियर हो गया और ये मेरे लिए सुवेनियर हो गया, क्योंकि हमारी फ्रेंडशिप के लिए, ठीक है जी। तो ये हमारा आंसर नहीं है। जो सेकेंड वर्ड हमारा पॉसी,
ओसी का मतलब होता है ए ग्रुप ऑफ समथिंग, समथिंग नहीं, ए ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है जी, ग्रुप होता है, या ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स भी हमारा होता है, और ये हमारा पुलिस के लिए भी यूज होता है जी, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे यूज ही यही होगा, ए ग्रुप ऑफ पीपल मतलब पुलिस जब आती है तो पोसे कहलाते हैं वो। तो सेकंड इसका राइट आंसर है। थर्ड स्टेबल। स्टेबल देखो दो तीन मीनिंग होते हैं इसके, एक तो स्टेबल हमारा माइंड होता है, जब हमारी चीजें जब कहते हैं स्टेबल है, फर्मली फिक्स्ड है, क्या है फर्मली फिक्स है मतलब हिलेंगी नहीं वो। एक हमारा होता है जब किसी का माइंड स्टेबल है, मतलब हेल्दी माइंड वाले को भी कह सकते हैं हम लोग स्टेबल पर्सन है, ठीक है जी। और एक स्टेबल हम लोग हॉर्सेज के लिए यूज करते हैं, अस्तबल होता है ना हमारा, वो स्टेबल होता है जी, ठीक है जी। तो ये हमारा आंसर नहीं है। परोल। परोल हमारा होता है जब किसी को परमिशन मिलती है, जब जेल में कोई बंदा होता है उसको कुछ दिन बाहर रहने की, तो वो परोल होती है, और इसके लिए यूज करते हैं ऑन परोल, रिलीज्ड ऑन प्रोल यूज करते हैं, या एलिजिबल फॉर प्रोल यूज होता है। दो तीन फ्रेज यूज होते हैं इसके साथ, एक तो होता है रिलीज्ड ऑन प्रोल और एक होता है एलिजिबल फॉर प्रोल, ठीक है जी। एसएससी क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है, सेकंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, आज भी जो स्पेलिंग वाला टेस्ट हमारा थोड़ा ईजी है, क्योंकि एक ही वर्ड के बारे में बताना है, एक ही वर्ड मतलब हमें उस वर्ड के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, उसकी एक्चुअल स्पेलिंग क्या बनती है। तो वर्ड हमारा है एग्जेजरेशन। एग्जेजरेशन मीनिंग डिसिस कर रहा हूँ मैं, इसका मतलब होता है जब हम चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं, इतनी बात कहने की नहीं होती लेकिन हम लोग बात बताए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, एग्जेजरेशन कर रहा हूँ। तो इसकी स्पेलिंग हमारा सेकेंड ठीक रहेगा, स्पेलिंग इसकी एग्जेजरेशन की होती है EXAGGERATION। तो और बाकी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बाकी गलत ही है, ठीक है जी। 16 है हमारा कनोसर। जो हमारा कनोसर होता है, कनोजर नहीं होता हमारा, कई बच्चे कहते हैं इसको कनोइजर है जी, नहीं, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है कनोसर। और जो हमारा कनोसर होता है, एक बंदा होता है जो जज करता है, जज करता है किसी भी चीज़ को कि उसकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है ना। पारखी होता है ना एक वर्ड हमारा, वो पारखी होता है कनोसर हमारा। तो इसका भी हमारा क्या स्पेलिंग होती है इसकी, CONOISSER। तो इसके अंदर हमारी कौन सी स्पेलिंग बन रही है, सेकंड वाली ही बन रही है जी, तो सेकंड इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अभी हमें करना है जंबल सेंटेंसेस को पैराग्राफ के अंदर, ठीक है जी। 17 पढ़ते हैं। देखो मैंने अभी एक बार और रिवाइज करते हैं, या एक बार मैं कंसेप्ट बता देता हूँ कि आपको सेंटेंस की एंडिंग और स्टार्टिंग देखनी किस चीज़ पर हुई है जी, क्योंकि क्योंकि लिंक तो वही दे सकते हैं ना हम, क्योंकि ये वाली चीज़ देगी कि इससे पहले कौन सा सेंटेंस आएगा, और ये वाली बताएगी कि इसके बाद कौन सा सेंटेंस आएगा, तो थोड़ा सा अटेंशन इनकी तरफ आपको देनी है। तो पढ़ते हैं एक बार, क्योंकि जो आज वाले हमारे 17 और 18 दो क्वेश्चन हैं ये बिल्कुल इसी कंसेप्ट पर बेस्ड हैं, ठीक है जी। फ्रॉम इट्स एडवर्सरी हैज रिजल्ट इन, हमारा जो रिजल्टेड के साथ हमेशा इन यूज होता है, और इन समथिंग होता है किस चीज़ में रिजल्ट लेके आई, वो क्या चीज़ बना दी उसने, ठीक है। इसके बाद मतलब इन हमारा प्रीपोजिशन है, तो इसके बाद या तो नाउन मिलेगा, ठीक है जी, या प्रोनाउन मिलेगा, या मिलेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। देखते हैं, कंडीशन हम लोगों ने बना ली है इसकी, क्यों हमारा द वर्सनिंग ऑफ द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन द मिडल ईस्ट। देखते हैं, वर्सनिंग मतलब जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है उनको और वर्सनिंग हो गया, और ज़्यादा खराब हो गए हैं मिडल ईस्ट में, तो इससे तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। आर देखते हैं, रिपोर्ट्स सुजेस्ट दैट इसराइल इज गिल्टी ऑफ टेकिंग वॉयलेंट एंड डिस्क्रिमिनेटरी डैश। देखो यहाँ पे टेकिंग वॉयलेंट एंड डिस्क्रिमिनेटरी, डिस्क्रिमिनेशन हमारा होता है जब भेदभाव होता है, तो डिस्क्रिमिनेटरी हमारा एक एडजेक्टिव है, ठीक है जी। एडजेक्टिव ये भी हमारा है, तो दोनों किसको क्वालिफाई करेंगे, नाउन को क्वालिफाई करेंगे जी। तो इसके बाद मेरे को क्या चाहिए जी, नाउन चाहिए। देखते हैं हम लोग, मेजर्स इन से गाजा स्ट्रिप द रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स के बाद भी होता है टुवार्ड्स, फ्रॉम या अगेंस्ट, मतलब इसके बाद चाहिए कि किस चीज़ से रिस्पॉन्स निकला वो, ठीक है जी। तो देखने से हमें पता लग रहा है कि जो ये हमारा क्यों वाला है, क्यों के अंदर बताया है मिडल ईस्ट, सॉरी इसको कर लेते हैं, हाँ, रिस्पॉन्स के बाद हमें चाहिए कि किस चीज़ से फ्रॉम टुवार्ड्स, हमारे पास एक फ्रॉम है कि जो रिस्पॉन्स है वो किससे निकला है, इट्स एडवर्सरी, इसके जो अपोजिट में है उनसे निकला है रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स हैज रिजल्टेड इन, देखो
देखो मैं थोड़ा कनेक्ट कर रहा हूँ, रिस्पॉन्स के बाद मतलब एस के बाद पी आएगा, ठीक है जी। और किस चीज़ में रिजल्ट निकला, वो इन रिपोर्ट्स, इन हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्ट वर्ब का कनेक्शन नहीं आ सकता, तो रिपोर्ट सुजेस्ट, ये तो सब्जेक्ट वर्ब हो गया हमारा, ये नहीं आ सकता। एस के बाद पी ऑलरेडी ले चुके हम लोग, तो पी के बाद क्या आएगा जी, क्यों आएगा, रिजल्टेड इन द वर्सनिंग ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, जो रिस्पॉन्स था वो एडवर्सरी के अकॉर्डिंग था और उसने क्या कर दिया, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को और भी गंदा कर दिया, और भी बढ़ा दिया उसको, ठीक है ना। एस पी क्यों हो गया हमारा, ठीक है ना। तो देखो एक बार, हमें यहाँ पे चाहिए क्या था, नाउन चाहिए था जी, और चारों की जब स्टार्टिंग में देखने से पता लगता है कि फ्रॉम तो कोई नाउन नहीं है, द वर्सनिंग मतलब डिस्क्रिमिनेटरी के बाद हमें क्या चाहिए, नाउन चाहिए, द वर्सनिंग तो हम लोगों ने कर चुके हैं इनके बाद, कि किस चीज़ में रिजल्ट निकला, उस चीज़ को खराब करने में रिजल्ट निकला जी, तो वो वोइलेंट हमारे मेजर्स थे जी, वो मेजर्स का मतलब स्टेप्स थे हमारे, डिसीजन थे वो, तो आर के बाद क्या आएगा जी, एस आएगा जी, क्योंकि नाउन एक यही है स्टार्टिंग में बचा हुआ, आर के बाद एस, एस के बाद पी और पी के बाद क्यू, आर एस पी क्यू हमारा सीक्वेंस बना है, और क्या आंसर हमारा, फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट बिल्कुल इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, पढ़ते हैं, इजराइल दे आर परफेक्टली जस्टिफाइड सीम टू हैव, दे आर परफेक्टली जस्टिफाइड का मतलब शायद वो अच्छे तरीके से जस्टिफाई हो चुके हैं, हो गए हैं, इजराइल सीम टू हैव मतलब ऐसा लगता है कि शायद इसके पास कुछ है। देखो हैव हमारा एक मेन वर्ब भी हो सकता है और एक हेल्पिंग वर्ब भी, जब हेल्पिंग वर्ब होगा तो इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, जब मेन वर्ब होगा तो इसके बाद क्या आएगा जी, नाउन आएगा, तो दो कंडीशन ध्यान रखना है, ये चीज़ हैव के बाद। सेकंड पढ़ते हैं, आउटरेज्ड मिस्टर ट्रंप एंड हिज कलीग्स द यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो इवन वेंट डैश, अब वेंट से हमें को एक चीज़ याद आती है, आई वेंट, कंप्लीट मीनिंग है क्या, आई वेंट टू स्कूल, मतलब यहाँ पे जो चीज़ आएगी एक वेयर का आंसर करने वाली आएगी, मेरे को मतलब प्लेस चाहिए यहाँ पे, तो वेंट के बाद भी मेरे को क्या चाहिए, प्लेस चाहिए, और वेंट जनरली टू लेता, गो टू या गो फॉर लेता है, ठीक है ना जी, मतलब प्रीपोजिशन से ऐड होगा, आई गो मार्केट हो सकता है, हम लोग लिखते हैं आई गो मार्केट, गलत होगा जी, क्योंकि जो चीज़ प्लेस ऐड होगा वो प्रीपोजिशन से ऐड होगा जी, ठीक है जी, मतलब इसके बाद प्रीपोजिशन आएगी, और प्रीपोजिशन आप लोगों को दिख गई होगी कि क्यों के बाद क्या आएगा, एस, क्योंकि एक ही पार्ट के अंदर प्रीपोजिशन है जी, तो क्यों एस हमारा क्या बन गया, एक फ्रेम बन चुका, सीक्वेंस बन चुकी है। आर है द यू एन एच आर सीज रेजोल्यूशंस अगेंस्ट, अगेंस्ट अगेंस्ट व्हाट मतलब किसके अगेंस्ट है, यहाँ पे वो चीज़ आएगी, किसके अगेंस्ट है, टू अगेंस्ट, और टू साथ में नहीं आ सकते, आउटरेज्ड, आउटरेज एक वर्ब की थर्ड फॉर्म है, नाउन काम नहीं करती, तो अगेंस्ट क्या आएगा, इजराइल आएगा जी, किसके अगेंस्ट है वो, इजराइल के अगेंस्ट है जी, तो आर के बाद हम लोगों ने क्या बना लिया, पी बना लिया जी, हम लोगों ने बनाया था क्यू के बाद एस और आर के बाद पी बन गया, ठीक है जी। अब एक चीज और रह गई हमारी, कौन सी रह गई, पी को पढ़ते हैं, हम लोगों ने निकाला था कि हैव के बाद या तो नाउन आएगा या आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें रिजोल्यूशन अगेंस्ट, शायद ये सीम टू हैव रिजोल्यूशन, किसके पास रिजोल्यूशन आने वाले हैं, नहीं जी, बल्कि हैव आउटरेज्ड, इसने क्या है, इसराइल ने आउटरेज कर दिया है मिस्टर ट्रंप को, गुस्सा दिला दिया है, और उसे क्लीग को, ठीक है ना जी, तो पी के बाद क्यों आएगा, और क्यों के बाद हम लोगों ने क्या बनाया था, एस, और एस के बाद क्या बनाया था हम लोगों ने, आर के बाद पी के बाद क्यों, और क्यों के बाद एस, हम लोगों ने सीक्वेंस बना चुके हैं, तो आंसर क्या है जी, आर पी एस क्यू, आर पी क्यू एस थर्ड आंसर बनेगा जी हमारा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखते हैं, एक्टिव पैसिव हमें करनी है, एवरीवन लुक्ड अप टू हिम, इसके अंदर जो देखो ये लुक्ड अप है ना, ये हमारा एक फ्रेजल वर्ब के रूप में यूज हुआ है, किसके रूप में यूज हुआ है, फ्रेजल वर्ब के रूप में, तो फ्रेजल वर्ब के रूप में यूज हुआ है, तो जो अप है वो वर्ब का हिस्सा है जी, वो अलग नहीं है, जहां पर भी लुक आएगा उसके साथ अप साथ साथ जाएगा, ठीक है जी। तो देखते हैं, हिम हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पे बनेगा सब्जेक्ट, ही वॉज लुक, मैंने बताया था पैसिव क्या बनता है, बी की साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव होता है जी, तो ही वॉज लुक पैसिव नहीं है, ही इज लुक्ड यहाँ पे पास्ट है, इज नहीं चाहिए, ही लुक्स, अरे यार ऑप्शन ही एक ही बचता है, ही वॉज लुक्ड अप टू बाई एवरी वन, कि उसको देखा गया, उसकी तरफ सभी के सभी लोग निहार रहे हैं, देख रहे हैं उसकी साइड, ठीक है जी, सेकेंड आंसर रहेगा। नेक्स्ट है,
सोक्रेट सेड वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड। थोड़ा सा ये प्रोवर्ब वाला प्रोवर्ब का इसके अंदर केस है कि जो भी हमारी इस कोमाज के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है अगर उसके अंदर प्रोवर्ब का जिक्र हुआ है तो प्रोवर्ब का ना तो टेंस चेंज होता है, कुछ भी चेंज नहीं होता, उसका एज इट इज लिखी जाती है वो, ठीक है ना। और जो ये वर्ड है वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड, इसका मतलब होता है कि जैसे हम लोग कई बार अच्छे काम कर देते हैं ना, तो अच्छे काम कर दिए इसके लिए आप रिवार्ड की चिंता मत करो, क्योंकि अगर आपके मन में ही ऐसा हो गया कि मैंने अच्छा काम किया है, कि आज तो कुछ ना कुछ अच्छा किया है, वो अपने आप में एक रिवार्ड है जी। क्योंकि ये फीलिंग हर टाइम नहीं आती, जब हम लोग कुछ अच्छा करते हैं ना तब आती है फीलिंग, और वो एक रिवार्ड होती है जी। तो कहने का मतलब इसका यही है। तो टेंस चेंज नहीं होगा तो ये आंसर नहीं हो सकता हमारा, हमारा सेकंड वाला नहीं होगा, क्योंकि सेड लिखा है वहां पे क्या था हमारा सेड है जी, ये वाला चेंज नहीं होगा जी, ठीक है जी। तो सेड आना चाहिए हमारा यहाँ पे, ये भी नहीं हो सकता सेड दैट, ये हो सकता है बोझ नहीं आएगा जी, ठीक है। तो थर्ड इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा क्लोज टेस्ट आ गया, पढ़ते हैं एक बार। द पैराडॉक्स कैन ओनली बी डैश बाई द आयरनी ऑफ द फैक्ट दैट द US विच हैज बीन डैश फॉर परपिचुएटिंग हॉरर्स इन डैश स्वेथ ऑफ टेरिटरी डैश फ्रॉम ईस्ट एशिया अफगानिस्तान एंड इराक यूज टू डैश ए रिस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ UNHRC। ये जो हमारा ना एक ही सेंटेंस है जी, एक ही सेंटेंस के अंदर हमारा क्या बना है, क्लोज टेस्ट बना है। और अक्सर ऐसा होता है SSC के अंदर कि कहीं से भी उठा के दे देगा आप लोगों को कि इसके अंदर आपको फिल करनी है जी वर्ड। थोड़ी सी ग्रामर यूज करेंगे इसके अंदर, हमारा जो बी है, बी के बाद मैंने बताया कि या तो हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आएगा, या वर्ब की थर्ड फॉर्म, या बी के बाद हमारा कंप्लीमेंट आता है जी। हम लोगों ने क्लासेज के अंदर सीखा ये चीज़, ठीक है जी। तो द पैराडॉक्स, पैराडॉक्स होता है जो कुछ जो चीज़ अपोजिट होती है, ठीक है ना। क्या एक तो मैं चाहता हूँ चाय बना दो, एक चाय बनाने वाला ही नहीं है वहाँ पे, तो चीज़ें क्या है पैराडॉक्स में है, ठीक है जी। तो अपोजिट जब चीज़ें होती वो पैराडॉक्स में होती हैं। तो द पैराडॉक्स कैन ओनली बी डैश बाय द आयरनी ऑफ द फैक्ट दैट, पता नहीं क्या किया जा सकता है इस आयरनी के साथ, देखते हैं। कैन बी डिराइव्ड, मतलब आयरनी से हम लोग पैराडॉक्स को डिराइव कर सकते हैं क्या, नहीं। नहीं का मतलब मेरा यहाँ पे थोड़ी सेंस नहीं आ रही है, बाकी ऑप्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड है मैच्ड, मैच का मतलब आयरनी को पैराडॉक्स से मैच कर सकते हैं कि जो US है, देखते हैं इसको भी। सूटेड, कैन बी सूटेड बाई, अरे सूटेड का मतलब होता है उससे, मतलब उसके लिए कंफर्टेबल होना, तो कंफर्टेबल की बात तो चली नहीं रही यहाँ पे। कैन बी एग्रीड, एग्रीड बाई तो यूज होता ही नहीं, एग्रीड टू होता है, टू द आयरनी हो सकता है, एग्रीड बाई यहाँ पे फॉर्मेशन गलत है जी। तो आंसर हमारा डिराइव्ड या मैथ में से बनेगा, हम लोग अभी आंसर नहीं निकाल सकते। सेकंड पढ़ते हैं एक बार कि वो शायद आयरनी के साथ कुछ करेगा। द फैक्ट दैट द US विच हैज बीन डैश, अब बीन फिर आ गया, वही फंडा है कि या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, वर्ब की थर्ड फॉर्म या कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना जी। तो विच किसके लिए आया है, ये US के लिए आया है, तो विच हैज बीन देखते हैं, विच हैज बीन मैनेजेबल फॉर परपिचुएटिंग, मैनेजेबल का मतलब अगर हॉरस को परपिचुएट करने का मतलब होता मेंटेन करना उसको, जो स्पीड है हॉरस की, जो जैसे कहते हैं ना उसका तहलका मचा हुआ है, तो उसको अगर मेंटेन करना है तो मैनेज नहीं करने पड़ेगा, क्या पड़ेगा कि उसके लिए वो प्रोड्यूसिबल है, प्रोड्यूसिबल मतलब प्रोडक्ट करने वाला, प्रोड्यूस करने वाला, नहीं, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। रिस्पॉन्सिबल कि जो हॉरस है, जो तहलका मचा हुआ है, उसका रिस्पॉन्स किसके पास है, रिस्पॉन्सिबल कौन है, US हो सकता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल के बाद हम लोग क्या देते हैं फोर यूज करते हैं, तो शायद आंसर बन सकता है कल्पेबल। कल्पेबल का मतलब बिल्कुल होता है रिस्पॉन्सिबल, एग्जैक्ट सिनोनिम है लेकिन कल्पेबल हमेशा ऑफ लेता है जी, तो कल्पेबल नहीं होगा, प्रोड्यूसिबल नहीं होगा। मैनेजेबल का मतलब कोई चीज़ मैनेजेबल होती है, समझ पाए ना बात को, कोई चीज़ मैनेजेबल होती है लेकिन कोई तो मैनेजर होगा ना, क्या तो होता है यहाँ पे मैनेजर, कि US एक मैनेजर है इस परपिचुएटिंग हॉरर को करने में, लेकिन यहाँ पे मैनेजेबल कोई चीज़ होती है, जैसे इट इज़ मैनेजेबल, किसको मैनेज किया जा सकता है, लेकिन US तो यहाँ पे सब्जेक्ट है ना हमारा, तो वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है जी, ठीक है ना जी। तो थर्ड राइट आंसर रहेगा। फिर देखते हैं, फॉर परपिचुएटिंग हॉरर्स इन डैश स्वेथ्स ऑफ टेरिटरी, मतलब जो एरिया है वो कहाँ तक फैले हुए हैं उसका तहलका या हॉरर्स,
होरस इन वाइड स्पेस, ओपन स्पेस, एम्पल स्पेस या जनरल स्पेस। एक्चुअल में हमारे यहाँ पे एक फ्रेज यूज होता है इन वाइड स्पेस, क्या यूज होता है बोलना जरा एक बार। इन वाइड स्पेस इसका मतलब होता है एक लार्ज एरिया में, ठीक है ना जी। स्पेस का मतलब होता है एक एरिया, वाइड मतलब बहुत ज्यादा एरिया में, ठीक है जी। तो यहाँ पे एम्पल, ओपन और जनरल का कोई काम नहीं है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल सामने मिलते हैं कि एक फ्रीजिज हटा दे और उसके अंदर से पूछ लिया कुछ भी, तो यहाँ पे क्या आएगा, होरस इन वाइड स्पेस, वाइड स्पेस ऑफ टेरिटरी, कि इस टेरिटरी का बहुत सारे हिस्से में क्या है, होरस को वो मेंटेन किए हुए है, ठीक है जी। फिर देखते हैं, डैश फ्रॉम ईस्ट एशिया, अफगानिस्तान एंड इराक। पता नहीं टेरिटरी के बारे में बता रहा है। देखो जहां पर भी कोमा स्टार्ट होता है ना, कोमे से पहले जो वर्ड होता है उसके बारे में हमेशा इंफॉर्मेशन होती है। जो टेरिटरी मतलब जो हम उसका इलाका है, जो एरिया है, फ्रॉम ईस्ट एशिया, अफगानिस्तान एंड इराक, शायद उस एरिया के बारे में बता रहा है कि उसका एरिया कहाँ है, ईस्ट एशिया में, अफगानिस्तान और इराक तक फैला हुआ है। तो देखते हैं क्या वर्ड आता है, टेरिटरी डैश फ्रॉम ईस्ट एशिया, ऑर्डरिंग, ऑर्डरिंग का मतलब ऑर्डर दे रही है वो, टेरिटरी ऑर्डर दे सकती है क्या, अरे नहीं ये नहीं हो सकता। अरेंजिंग की टेरिटरी अरेंज कर रही है कि ये मेरा मैं नहीं दूंगी किसी को, अरे यार कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एलिमिनेट हो रहे हैं ऑप्शन सामने देखते ही। रेंजिंग, रेंजिंग का मतलब इसकी रेंज है, बिल्कुल ये हमारा आंसर हो सकता है जी। रेंजिंग का मतलब किसी चीज की रेंज होना, तो चीज मतलब टेरिटरी भी तो कोई चीज ही है ना, तो रेंज हो सकती है। वेरिंग मतलब बदल रही है, मतलब आज ईस्ट एरिया तक उसकी और आज इंडिया में आ जाएगी, इंडिया से फिर रशिया में चली जाएगी, अरे नहीं टेरिटरी तो एक इलाका होता है और वो रेंज ही होती है उस चीज की, वेरी नहीं करती वो, तो इसलिए आंसर क्या बनेगा हमारा, सी राइट आंसर बनेगा जी, ठीक है जी। फिर है, इराक तक फैली हुई है, यूज्ड टू डैश ए रिस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ UNHRC, यूज्ड टू देखते हैं, यूज्ड टू हैव बीन हैड या बी, मैंने बताया कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो कभी भी हैज या हैव या हैड के बिना नहीं आ सकती जी। तो टू के बाद तो वैसे ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है, तो हैड और बीन का तो कोई काम नहीं है। हैव के बाद मतलब एक नाउन चाहिए हमें, जैसे आई हैव ए कार, और बी के बाद हमेशा कॉम्प्लीमेंट आएगा जी। कॉम्प्लीमेंट का मतलब यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो सब्जेक्ट के बारे में बताएगा। तो देखते हैं, रिस्पेक्टेबल मेंबर के बारे में बता रहा है कोई, हाँ जो ये इन्फॉर्मेशन काट दो इसको, क्योंकि दो कोमाज के बीच थे ना ये इन्फॉर्मेशन, यहाँ तक ये हमारी कोई काम की नहीं अब, क्योंकि अब नया सेंटेंस स्टार्ट हो चुका है, ठीक है जी। जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, यूएस, यूएस यूज टू हैव या बी, मैंने बताया कि रिस्पेक्टेबल मेंबर है तो सब्जेक्ट के बारे में बता रही है ये चीज, तो क्या है ये, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, बी की वर्ब यूज करते हैं जी। तो बी इसका राइट आंसर रहेगा जी, ठीक है जी। हैव मतलब पोजेशन होना, कि इसके पास एक रिस्पेक्टेबल मेंबर है UNHRC का, नहीं बल्कि ये खुद एक रिस्पेक्टेबल मेंबर है जी। तो फर्स्ट वाला हमारा रह गया था कि जो पैराडॉक्स कैन ओनली बी मैच्ड, क्यों, मैच का मतलब जो पैराडॉक्स अपोजिट चीजें है ना, इस आयरनी ऑफ एक्शन से मैच की जा सकती है, कि एक रिस्पेक्टेबल मेंबर भी है वो, और वो उस कमेटी से क्या है, लीव करना चाहता है, एग्जिट करना चाहता है, तो हम लोग डिराइव नहीं कर रहे चीजों को, हम लोग मैच कर रहे हैं जी, ठीक है ना। थोड़ा सा पूरा पढ़ने से हम बता पाए इसका आंसर क्या है, तो सेकंड इसका राइट आंसर रहेगा जी, ठीक है जी। तो इससे हम लोगों ने आज के टेस्ट को एनालिसिस कर लिया है, तो थैंक यू वेरी मच।